कपड़ा लगा था और माला लगा था। मैं समझ गया अरे भैया ये तो कोई निकल लिए, उनका खाना चल रहा है। घबरा रहे थे, हड़बड़ा के पिटाते भाई। बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, बहुत तगड़ी बारिश। चलो अपन तो सुबह उठे, फिलहाल टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9:30 और ब्रेकफास्ट करने हैं। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है ना कि मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए उठा हूँ। पूड़ी और एक मसाला था। पूड़ी तो बहुत तगड़ी है भाई, बहुत तगड़ी है, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। इस ट्रिप का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच आज हम कवर करेंगे, ऑलमोस्ट 12 घंटे से ऊपर है। रात में पहुंचेंगे 10:30 बजे। अब देखते कितने बजे पहुंचते हैं। और ऑलमोस्ट 723 किलोमीटर्स है भाई, तगड़ा होने वाला है आज का जर्नी। हाँ ठीक है, चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग जर्नी को। तो बोलो श्री अंबे मात की जय। यहां से इंदौर से निकल रहे हैं और जा रहे हैं नागपुर। मॉनसून ड्राइव के लिए आए थे और भाई सुबह सुबह बारिश ने क्या स्वागत किया है भाई, क्या स्वागत किया है, जबरदस्त। नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना कि भाई विंडशील्ड पे ना पानी ना चिपकने लगता है यार, वो मॉइस्चर और इतना चिपचिपापन आ जाता है ना, तो मैंने इसलिए कोट कराया था ताकि ना पानी चिपके नहीं। जैसे एक वाइपर देख रहे हो सारी बूंदे कैसे गिर गई, हाँ भैया बूंदे इस पे चिपकेंगी नहीं और विजिबिलिटी क्लियर रहेगा, क्योंकि अपने को तो रात में भी ड्राइव करना है। देख रहे हो भाई, बिना किसी टाइम के अपन नेशनल हाईवे 48 तो उधर वाला हो गया, 44 पे आ गया। और अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये सामने देख रहे हो, ये फ़ायदा होता है। हाँ ये देख रहे हो कैसे ये उड़ के विंडशील्ड पूरा क्लियर हो जा रहा है। क्या मूसलाधार बारिश हो रही है यार, क्या मूसलाधार बारिश हो रही है, मतलब जबर भाई जबर। हाँ बहुत तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा। आपको आवाज़ आ रही होगी ना, मतलब मेरी आवाज़ से ज़्यादा ना बारिश की आवाज़ आ रही है भाई। खुशी गजब खुशी मिल रही है। साला मैंने जूता क्यों लेके आया भाई, मेरे को ना एक दो जोड़ी चप्पल और लेके आने चाहिए थे। हाँ क्रॉक्स तो वैसे मैं लेके आऊँ, क्योंकि मुझे पता है भाई इस ट्रिप पे हम ना कुछ एडवेंचर भी करने वाले हैं, जो कि हम गुजरात में करेंगे, और उसके लिए भाई जूते वूते तो नहीं चाहिए, चप्पल चाहिए। तो भाई रोड पे इतना ज़्यादा पानी जमा हो गया ना, और वो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। मतलब एक एक जगह ऐसा पानी अचानक से जमा हो रहा है ना, और उसके ऊपर अगर टायर जा रहे हैं तो गाड़ी लिटरली फ्लोट कर रही है यार। अभी एक जगह ऐसा हुआ कि टर्न था, हल्का था ना, हाईवे जैसे कर्व नहीं होता वैसा, भाई हल्का सा स्टेयरिंग मोड़ा, गाड़ी पूरी एक साइड। ओ भाई स्पीड कंट्रोल में ही रखना पड़ेगा, यहाँ पे 60-70 से ऊपर तो चल ही नहीं सकते यार। आज कुछ भी कर लो 60-70 के ऊपर, क्योंकि ये बारिश नहीं रुकने वाली। एब्सर्ड सा मॉनसून चल रहा है यार। देखो अभी बारिश बीच में एकदम इतनी तेज पड़ती है कि भाई दिखना बंद हो जाता है, और कभी कभी एकदम ही खत्म हो जाती है भाई, और फिर ड्रिजलिंग स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे करके अलग जगह पे जब पहुंचते हैं तो वहाँ बारिश। अभी देखो यहाँ पे रोड गीले भी नहीं है, हाँ रोड प्रॉपरली वैसे गीले भी नहीं है, जैसे बारिश ही नहीं हुई हो, और पीछे इतनी तेज बारिश थी। देखो अंकल को देखो कितना रौले में आ रहे भैया, उल्टा एकदम बीच में, बाप का रोड है मेरा बाप का, ऐसा वो सोच रहे थे।
बाकी ठीक है यार, यहाँ पे तो आराम आराम से ही चलना सही है। मतलब बारिश में यार ड्राइविंग ना, अगर आप स्पीड में ड्राइव कर रहे ना तो बहुत रिस्की हो जाता है भाई। सही टाइम पे रुक गया यहाँ पे ना, एक ETU स्टूडियो पे रील अपलोड करनी थी तो उसको अपलोड करने के लिए मैं रुका, और फिर देखा कि भाई मैं थोड़ा सा आगे निकल आया हूँ। हाँ, मिला जुला के बारिश तो अभी बंद हो गई है। ठीक है यार, अभी देखो ऑफिस का भी काम साथ साथ में करना, ऑफिस के भी कॉल्स आ रहे हैं, आज सैलरी डे है तो अभी सबकी सैलरीज भी ट्रांसफर करनी है, तो लैपटॉप बीच में कहीं पे खोलूंगा जहाँ पे चाय वाय पीने रुकेंगे ना, थोड़ा 3-4 बजे के आसपास, उस समय सबकी सैलरीज प्रोसेस करूंगा। देखो मैं तो ट्रिप पे हूँ लेकिन भाई अपने टीम की सैलरी टाइम पे जानी चाहिए। एज ए मैनेजर, एज ए ओनर, मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखता हूँ यार कि अपनी टीम हमेशा पैम्पर्ड रहे। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे बारिश आई नहीं है भाई, आई नहीं है, एकदम ही सूखा पड़ा हुआ है, एकदम ही सूखा पड़ा हुआ है भाई। थोड़ा बूंदा बांदी वैसे टाइप से भी ना बिल्कुल नहीं दिख रहा। हाँ, और अभी पीछे 10 मिनट पहले भाई कितनी ताबड़तोड़ बात, 10 मिनट तो नहीं, आधे घंटे हो गए, मिश पता नहीं मेरे जबान को ना, जबान कभी कभी ना वो हो जाता है, टंग ट्विस्टर हो जाता है भाई। मिला जुला के टेम्परेचर कितना, 30 डिग्री हो गया, सुबह निकला था तो 30 डिग्री था। माता बिना भाई रोड पे ऐसे टहल रही है ना, और बहुत सारी हैं, एक दो नहीं, मैं तो रिकॉर्ड मैं दिखा नहीं रहा आपको क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता, ऑनेस्टली बताओ तो मैं दिखाना नहीं चाहता, मैंने बहुत बार दिखाया लेकिन उससे कुछ होता नहीं है भाई, सरकार नहीं सुनती। हाँ, MP में तो ये है, तो इसीलिए ठीक है भाई, अपन एकदम धीरे धीरे ध्यान से चल रहे हैं। लेकिन ये ना बीच में झाड़ी लगा हुआ है यार, यहाँ पे ना मोस्टली घास खाती है ना वो, जितने भी ये मवेशी रहते हैं ना, गाय बैल बकरी ये सारे ना इधर झाड़ी में बैठे रहते, एक तो ठंडा रहता है और ऊपर से घास खाने को मिलता है, और फिर हाँ वही, ये देखो ना, ये देख रहे हो, ये देखो सामने रोड पे दिख रहा है भाई कितने सारे हैं। तगड़ी वाली बारिश स्टार्ट हो गई, वो होगा, ऐसा होगा बहुत बार होगा कि कुछ टाइम बारिश नहीं, कुछ टाइम बारिश, और भाई जब बारिश नहीं पड़ रही है ना तभी आपको अपना सुसु पॉटी चाय खाना पीना सब करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर आप उतरोगे तो भैया हर जगह किचड़ किचड़ ही मिलेगा। आज गलत किया मैंने, क्रॉक्स पहन लिए, मैं सॉरी जूते पहन लिए, मेरे को क्रॉक्स पहनना चाहिए था यार, अब तो पूरे जर्नी ना क्रॉक्स में ही कटेंगे। ये पहुंच गए जी हम मालथॉन टोल पे, इसी टोल के जस्ट थोड़ा सा पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो अभी UP से वापस से हम MP में घुस गए और यहीं पे गाड़ी लगा के मैं खड़ा था, और अरे यार ये भाई क्यों खड़ा है, भाई सोच रहा है भाई, ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं इनको लगता है ना कि भाई उसका ना जो फास्टैग का है ना इससे कट जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग देखे मैंने टोल पे कि बहुत दूर खड़े रहते हैं, बहुत दूर, और उनको ऐसा लगता है ना कि भाई फास्टैग वाला कहीं मेरा ना कट जाए, मतलब उसके पैसे मेरे में से ना कट जाए। ये वाला था ढाबा, ये ढाबा था जहाँ पे मैं बैठा था, क्या नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ढाबे वाले भैया से मिल के जाऊँगा भाई। हाईवे बहुत मस्त है यार, बहुत मस्त है, और एकदम खाली है यार, ज़्यादा इसमें ना कोई गाड़ी वाड़ी, लोकल गाड़ियाँ भी कम है। ये थोड़ा सा बीच बीच में आपको दिख रहा है ये चिप्पी विप्पी साटा हुआ है रोड बनाने का भी ना एकदम फास्ट तरीका है भाई, रोड के ऊपर ना अच्छे से चिप्पी साट दो, बाकी दोनों साइड बहुत ग्रीन है, बहुत, मतलब जहाँ तक आप देखो ना, इस साइड देखो या फिर इस साइड देखो, हर तरफ आपको ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आती है, इसलिए हमने निकाल लिया है जी अंकल चिप्स, वो भी ग्रीन वाला। जब गाड़ी सीधा चला रहे ना तो स्टेयरिंग का पोजिशन ना ये आ रहा है, देखो अभी यहाँ पे ना टर्न है, आगे कर्व है, अब कर्व पे मोड़ेंगे ना तब भी देखो स्टेयरिंग ना राइट हैंड साइड को ना मुड़ी हुई है। अभी आपको ना एक बार सीधा सीधा रोड आता है ना फिर दिखाता हूँ, ये देखो
कैसा लग रहा है ना? हाँ भाई, ये इतना इरिटेटिंग है, इतना इरिटेटिंग है ना। ये है सीधा, ये है गाड़ी एकदम सीधा चल रही है, एकदम सीधा रोड है और स्टेयरिंग ऐसे मुड़ा हुआ है भाई। ये पता है बहुत इरिटेटिंग है यार, बहुत इरिटेटिंग, क्योंकि एक साइड में ना अनइवननेस सा फील हो रहा है और आप ना गलत तरीके से पकड़ रहे हो स्टेयरिंग, जिसकी आपको आदत नहीं है, तो मिला जुला के इरिटेट हो रहा हूँ। बाकी तो धूप वूप आ गई है यार, मस्त धूप आई है, फुटेजेस भी बहुत क्लियर आ रहे हैं यार। मतलब ये वाली जो सनलाइट होती है ना, गोल्डन आर टाइप वाली, वो बहुत मस्त रहती है। अभी कहीं रुकेंगे यार, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रुके। इस रास्ते पे ना ज़्यादा कुछ अपने को खाने पीने के लिए नहीं है यार। सागर वागर क्रॉस कर गए हैं, नदिया किनारे सागर पुकारे क्रॉस हो चुका है और कोई भी ऐसा ढाबा नहीं नजर आ रहा है। और दूर एक बार जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखो भाई क्या मस्त है ना, ऐसा लग रहा है रोड जाके जंगल के बीच से पूरा रास्ता ऐसा ही है। पता नहीं अजीब सा ही मौसम हो रहा है भाई, बारिश होने लगी हल्की फुल्की भाई। गाड़ी क्या मस्त लग रही है ना, क्या जबरदस्त लग रही है यार। आपको पता नहीं बारिश के बूंदे दिख रही है कि नहीं, बट बारिश स्टार्ट हो रही है। जबरदस्त यार, बहुत ही जबरदस्त है, किलर लग रही है भाई, किलर। बाकी हाईवे तो ठीक था ही, ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर कवर कर लिया है और अभी भी 350 किलोमीटर के आसपास बाकी है। कुछ मिल ही नहीं रहा है, ढाबा वाबा टाइप का ना कुछ मिले भाई। आवाज मतलब आपको ना विंड नॉइज आ रही होगी, एक्सटर्नल माइक भी है, कामचोर भी तो हो ना, निकाल नहीं रहा हूँ भाई। वापस से बारिश तेज स्टार्ट हो गई, मैं तो नीचे उतरा था हाँ, और यहाँ पे तो खतरनाक ही बारिश हो रही है। बट एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो गुड़गांव में लास्ट हमने फ्यूल भरवाया था और अभी रिजर्व का लाइट जला, अभी भी तेल इतना है कि कम से कम 100-150 किलोमीटर के करीब चलेगी। और अभी तक ना हमने 737 किलोमीटर कवर कर लिया भाई हाँ, और अब जाके रिजर्व का भाई फ्यूल टैंक का कैपेसिटी और अभी जो एवरेज दे रही है 12.5 का एवरेज, 12.4 का एवरेज। आराम आराम से चलो तो भैया, रेंज बहुत तगड़ा मिलता है फॉर्च्यूनर में भाई। बाकी बारिश देखो भाई, बारिश देखो, मतलब लिटरली वाइपर बंद कर दूं तो इतना ज्यादा बारिश आ रहे भाई। डीजल है ऊपर तक कर देना, हाँ फुल करना है, फुल करना है। 64 लीटर आया, 6000 का 64 लीटर आया, ठीक है। गिल्लो भैया भाई, 5:10 हो रहे हैं और ये जो टेढ़ा स्टीयरिंग पकड़ पकड़ के मेरे हाथों में दर्द हो रहा है ना, मतलब अनईजी लग रहा है। दर्द तो क्या ही होगा, अनईजी लग रहा है यार। और पूरे रास्ते में साला एक ढाबा नहीं यार ढंग का, एक ढाबा नहीं ढंग का भाई, एक ढाबा नहीं ढंग का। 3-4 बार और बोलूं ताकि बात में वजन आए भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूं यार, एक ढाबा नहीं ढंग का। मेरे को ना कुछ काम है लैपटॉप में और वो मेरे को कहीं पे बैठ के करना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भाई शायद मुझे गाड़ी के अंदर ही बैठ के करना पड़ेगा। बहुत बुरी हालत है यार, मैं चिप्स नमकीन बिस्किट पानी डाइट कोक सब पी लिया यार, तब भी भूख नहीं मिट रही, क्योंकि भूख लगी है दाल चावल रोटी की और वो मिल नहीं रहा। वो तो ढाबे पे मिलेगा ना, वो तो मैं लेके चल नहीं सकता। भगवान भला हो भाई, सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया। मैं साला नॉर्मली ब्रेकफास्ट करता नहीं, मैं सोचता रास्ते में कुछ खा लेंगे। भैया इधर आओ तो रास्ते में क्या वो मत करना, इसके भरोसे मत बैठना, लंका लग जाएगी। छोटा सा गांव टाइप का आया था, वहां पे देखा बहुत सारे लोग जमा थे, पत्तल वत्तल जो नहीं रहते वो पत्तल, प्रॉपर पत्ते वाला पत्तल, वो सब बिखरे थे। मुझे लगा भाई यहाँ पे कुछ मिल जाए खाने के लिए, मैं हल्का सा धीरे भी किया, मैं कहा भाई आगे भागे, दुकान वुकान भी लगा हुआ था भाई, वहाँ पे फोटो लगी हुई थी, फोटो पे माला लगी थी, तीरवी चल रही थी। मैं साला सोच के मैंने कहा क्या भुक्कड़ आदमी साला, तीरवी में रुकने वाला था कि भैया खाना खिला दो। ये बुरी हालत भाई, मुझे लगा कोई ऐसा होगा कुछ ऐसा, मतलब अभी तो बहुत सारा लंगर वंगर भी चलता रहता है ना भाई। फोटो लगी हुई थी, फोटो के ऊपर लाल वो कपड़ा लगा था और माला लगा था, मैं समझ गया अरे भैया ये तो कोई निकल लिए, उनका खाना चल रहा है, घबरा रहे थे, हड़बड़ा के पिटाते।
फाइनली एक जगह मिला है भाई। यहाँ पे ना लास्ट टाइम भी यहीं पे रुके थे, जलसा। अंदर लगा लेते जी गाड़ी, अंदर लगाने की जगह है, लग ही जाएगी। अभी भी जो अपना डिस्टेंस है ना 4 घंटे 14 मिनट बाकी है, मतलब बहुत ज़्यादा बाकी है अभी भी। चलो कोई नहीं, अब ये लेके चलते हैं क्योंकि अपने को सैलरी ट्रांसफर्स भी करने हैं, इसके लिए लैपटॉप चाहिए होगा। नेटवर्क भी आ रहा है, अरे बीते लम्हे याद आती हैं। हाँ भाई, सैलरी वाला काम तो हो गया, अब इसको बंद कर दो, लैपटॉप रखो और ये आ गया जी खाना। खाना थोड़ा ठंडा हो गया यार, मैंने कहा पहले हाँ यार रोटी ठंडी होगी। चलो कोई नहीं, खाना खाते हैं। लास्ट टाइम भी अपन इधर रुके थे और तब भी खाना अच्छा था और आज भी खाना अच्छा था। मैंने बस 2 रोटी खाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा खाऊँगा ना। अभी भी 4-4.5 घंटा बाकी है भाई, 4-4.5 घंटा बाकी है। एक पानी का बॉटल लिया था तो वो ले जा रहा हूँ। पानी पीते रहना चाहिए और सुसु करते रहना चाहिए, बट यहाँ का वॉशरूम में यूज़ नहीं करूँगा। भी नागपुर आया था ना तो यही भैया मिले थे, ये पहचान गए गाड़ी देख के। इस बार गाड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, बहुत प्यारी है। हाँ आप बहुत पुराने हो ना यहाँ पे, कितने साल हो गए आपको? 3-4 साल हो गए। हाँ था अब एक बार बीच में, मैं भैया को बता रहा हूँ ना कि लास्ट टाइम मैं सुबह इसी होटल से निकला था और मेरा MP में एक्सीडेंट हो गया था। आपने देखा था वो वीडियो? वीडियो हाँ सर मैं देखा। थैंक यू। लांदर रिडिंग के रूम्स और खाना बहुत अच्छा है यार, इसलिए मैं यहाँ पे, ये अपना बेडिंग एरिया, ये लाइट कहाँ से जलता है? हाँ यहाँ से भाई, मस्त सा ठीक है। सुबह मस्त आराम से उठेंगे यार, जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपना ये रूम, हाँ मस्त। आ जाओ भैया, आप क्यों? अच्छा आओ आओ आओ, क्योंकि सास भी कहीं बहुत यार, यहाँ से व्यू बहुत ही टट्टी है यार, ये व्यू बहुत बेकार है यहाँ से। चलो कोई नहीं, अपने को वैसे भी रात में कौन सा व्यू दिख रहा है। खाना पीने के लिए मिल जाएगा ना? हाँ सर। ठीक है, कहाँ ऑर्डर करूँ?